तीन बातें जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। हम हमेशा सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है तो बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, पर असलियत में जिंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी छोटी छोटी हरकतों को देखना होगा, अपनी छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी। मैं आज आपके साथ तीन ऐसी बातें शेयर करना चाहूंगी जो आपके लाइफ में अगर आपने उतार ली तो काफी कुछ बदल सकता है। कभी भी गुस्से में कोई भी जवाब ना दे। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे गुस्से में था, गलती से बोल दिया, मैं वो मीन नहीं करता। पर आपकी बात सामने वाले को कितनी तकलीफ दे चुकी ये हम नहीं देख पाते। हम बोलकर भूल जाते हैं पर सामने वाला शायद उसे जिंदगी भर याद रखता है। तो इसका हल क्या है? कहते हैं जब आपके पास कुछ अच्छा कहने को ना हो तो चुप रहना बेहतर है, उससे कई बार रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। तो जब भी गुस्सा आए कोशिश करें आप खुद को शांत करें, कोई जवाब ना दे, किसी से बात ना करे, उस जगह से ही चले जाए और बात तभी करे जब आपका दिमाग शांत हो, और फिर आप देखिए कितने झगड़े आपके आसानी से सुलझ जाएंगे। जब बेहद खुशी हो तब किसी से कोई वादा ना करे। बचपन में मम्मी से कहते हुए सुना था, अति अंततः क्षति, यानी किसी भी चीज की अति हानिकारक है। जैसे ज्यादा गुस्से में हम गलतियां कर देते हैं, उसी प्रकार ज्यादा खुशी भी हमसे गलतियां करवा देती है। बेहद खुशी में किए हुए वादे हम भविष्य में निभा नहीं पाते क्योंकि हमने वो फैसले संतुलित दिमाग से नहीं लिए थे, हमने वो फैसले खुशी में लिए जो अब हमें बोझ से लग रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आप जब बेहद खुश हो तो किसी से कोई वादा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो वादा आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता पर किसी और के जीवन की उम्मीद बन सकता है। और जब किसी की उम्मीद टूटती है तो भगवान भी हमसे खुश नहीं होते। जब दुखी हो तो कोई फैसला ना ले, हर बात घूम के वहीं आती है, जब तक दिमाग संतुलित ना हो फैसले ना ले। जैसे ज्यादा खुशी में लिए गए फैसले हानिकारक हैं, वैसे ही दुख में लिए गए फैसले भी आपको गिल्ट में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी अपने से आपका झगड़ा हो जाता है, उसने गुस्से में आपको कुछ सुना दिया जो वो मीन नहीं करता और आपको बड़ा दुख हुआ, लेकिन उस दुख में आपने उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दिया। अब कुछ समय बाद आपको रियलाइज होता है कि वो झगड़ा इतना भी बड़ा नहीं था कि रिश्ता ही तोड़ दिया जाए, लेकिन जब तक आपको ये रियलाइज होता है बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए देर हो जाए इससे अच्छा है कि कोई फैसला नाराजगी में ना ले। कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि उसका क्या असर होगा आप पर भी और आपके अपनों पर भी।